ज्यादा, जन्म भूमि से ज्यादा आपका कर्म भूमि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ऑब्वियस है कि हमने जन्म वहां नॉर्थ में लिया, बट अभी राइट नाउ हमारी जो कर्म भूमि है वो साउथ में है, तो वहां का हम नमक खा रहे हैं, वहां की कमाई खा रहे हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ठीक गाइस, अभी हम दर्शन करके आ गए, एक अंबरनाथ जी का दर्शन करके आ गए हैं नेक्स्ट डे, और 10 और 15 मिनट्स में हमारा चेकआउट है, तो एक ग्रीन टी तो बनती है। ग्रीन टी ले रहे हैं गाइस, और 2 इंसिडेंट हुए हमारे साथ में। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप कहीं जाते हो या कहीं पे रह रहे हो और आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है, दैट मीन्स कि हम कम्युनिकेट करना तो आता है बट लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर होती है ना, तो मेक श्योर कि आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है गाइज, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली हम जब मंदिर के अंदर गए तो मैंने सभी लोग यूज़ कर रहे थे कैमरा, तो मैंने भी कैमरा ऑन करा जस्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि कैमरा ऑफ कर दो, तो मैंने कैमरा तो ऑफ कर दिया था, जो रेड बटन पे हम उसको क्लिक करके रिकॉर्ड करते हैं उसको तो मैंने ऑफ कर दिया था, बट मेरा जो पॉपअप कैमरा है वो ओपन था, मीन्स पॉपअप था। तो उनको लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत ही उन्होंने बोला ए कैमरा ऑफ करना, तो मैंने बोला भाई कैमरा ऑफ ही है आप देख लो। फिर उन्होंने बोलता नहीं कैमरा ऑफ नहीं है, मैंने बोला लो देखो। फिर मैंने उनको अपना फ़ोन दिखाया गाइस, क्योंकि मैं गलत नहीं थी उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे बोला, उस टाइम पे मैंने कैमरा अपना ऑफ कर दिया था बट मेरा जो पॉपअप कैमरा है वो पॉपअप था, तो उनको लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से गलत फहमी हो जाती है, तो आपको क्लेरिफिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मंदिर में कैमरा से रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती है, तो आई एक्सेप्ट कि मैंने गलती करा, पर उन्होंने मुझे जिस तरीके से बोला उसको मैंने क्लेरिफाई किया। तो मुझे लगता है कि जिस जगह पे आपको गलत बोला जा रहा है या गलत समझा जा रहा है, उस जगह पे आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको कोई भी कुछ बोल के चला जाए और उसको आप इजी वे में एक्सेप्ट कर लो। तो ये तो हो गया फर्स्ट इंसिडेंट, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और सेकंड इंसिडेंट जो है गाइस, उसको तो आपको सुन के इतनी हंसी आने वाली है ना, इतनी हंसी आने वाली है कि आप पूछ, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। अगर सेकेंड इंसिडेंट भी आपके साथ में हुआ होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। हुआ ये कि हम लोग जब गए अपनी गाड़ी, हमने पार्क किया तो गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। एक्चुअली हो सकता है मे बी लिखा हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम, अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम, हमें समझ में नहीं आता। वर्बल बोलो तो भी नहीं समझ में आता, लिखा होगा तो वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है लिखा हो, बट हम आगे आगे गए, हमें कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो एक बड़ा सा गेट था जो कि बंद था, उसके सामने हमने गाड़ी पार्क कर दिया। ठीक है, गाड़ी पार्क किया, दर्शन करे, हम दर्शन करके वापस आए, और हम जैसे ही गाड़ी पार्क करे, दर्शन करके जैसे ही वहां से दो लोग ऐसे दरवाजा, वो जो बड़ा वाला गेट था खुला, ओपन हुआ, और बहुत 2-3 गाड़ियां आई थिंक लाइन से थी, और दो लोग आए बाहर, ब्ला 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 करके चिल्लाने लगे। हाँ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो वो बोले जा रहे हैं अपना बीपी हाई करके चिल्लाए जा रहे हैं। हम लोग आराम से शांति से सुन रहे हैं, सारे लोग जितने भी लोग थे वो देख रहे हैं, बट हमें कोई फर्क नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलें। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके पार्किंग वगैरह को लेके। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है यहाँ साउथ में, हम जब से आए हैं रहने, अगर कहीं घूमने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा बहुत हो जाती है। तो वो अपने तमिल लैंग्वेज में बोले जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं प्लीज़ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। एक तो वो सामने वाला इंसान गुस्सा है, लास्ट हाफ एन आवर से अराउंड वो वेट कर रहा है कि आप आओ और अपनी गाड़ी निकालो, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं उनसे कि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो वो बोलता है इंग्लिश में बोले, ऐसा कुछ उसने करके एक्सप्रेशन दिया है इंग्लिश, मैंने बला 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 करके फिर से वो बोलना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, कहीं ना कहीं अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है ना आपको, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि सामने वाला कुछ भी बोले आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कुछ रिएक्ट नहीं करते, जिससे कि आपका जो बीपी है वो शांत रहता है, हाइपर नहीं होते, और सामने वाले जो नेक्स्ट पर्सन था, अगला बंदा, उसका तो बहुत ही ज़्यादा बीपी हाई हो गया। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। एक सिप लेती हूँ। हाँ, ये तो हो गया इंसिडेंट, और अभी हम आते हैं जहाँ हम गए थे।
गाइस हम गए थे एक अंबरनाथ दर्शन करने, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि प्रसाद वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है चढ़ाने का। आप लेते हो, बाहर बेचने वाले रहते हैं, बट आप परचेज नहीं करना क्योंकि चढ़ाने नहीं देते हैं। अपने नॉर्थ साइड में क्या होता है कि आप प्रसाद लेते हो तो आपको चढ़ाने देते हैं, नारियल वगैरह फोड़ने देते हैं। तो यहाँ साउथ में तो मैंने अभी तक जितने भी मंदिरों में दर्शन किया ऐसा यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं चढ़ाना वगैरह। कल हम गए थे कामाक्षी टेम्पल, वहाँ पे हमने नारियल वगैरह लिया था प्रसाद के लिए चढ़ाने के लिए, बट वो कुछ भी चढ़ाने नहीं दिया, पंडित जी को आपको अलग से दे देना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लेना हमारा मतलब हुआ। आप नहीं भी लो, श्रद्धा से हाथ जोड़ लो। अगर आपको कुछ दान पुण्य करना है तो आप दान पेटी में मेरे हिसाब से डाल सकते हो। एंड सेकेंड जो इसका एक मोस्ट बेनिफिट मुझे ये लगा गाइस कि अपने नॉर्थ साइड में हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, नारियल वगैरह फोड़ते हैं, तो उससे बहुत सारा मीन्स ऐसा इधर मेस हो जाता है और बहुत पानी वानी ऐसा हो जाता है। बट साउथ में आपको जो मंदिरें हैं वो साफ़ सुथरी दिखेंगी, कहीं से भी स्लिप होके गिरने का चांस नहीं रहेगा। मैं कहीं भी किसी भी जगह की बुराई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी नॉर्थ से हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ भगवान जी लोगों को, बट जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, नॉर्थ भी हमारा है साउथ भी हमारा है। या एक सिप लेती हूँ। हाँ तो गाइस हम लाइन में खड़े थे और वहाँ पे एक जनरल दर्शन था और दूसरा जो था उसमें लाइन में लगना था। तो जनरल वाले दर्शन में तो आप ऐसे ही जा सकते हो, बट जिसमें लाइन में हम लगे थे उसमें 5 रुपीज़ पे करके हमने दर्शन किया था। तो आप 5 रुपीज़ पे करके बहुत पास में नहीं जाने देते, थोड़ा सा एक गैपिंग सा रहता है, वहाँ पे आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा टेम्पल है गाइस, बहुत ही। अगर हिंदू धर्म को आप मानते हो तो ज़रूर एक बार आके देखना, यहाँ पे दर्शन करिएगा। और सेकेंड थिंग कि वहाँ पे एक आम का पेड़ है, ऐसी मान्यता है कि जो आम का पेड़ है वहाँ पे कामाक्षी देवी ने जो है तपस्या किया था, उसके बाद में शंकर जी प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए होंगे एंड देन उन्होंने शंकर जी भोलेनाथ जी के साथ में विवाह किया था। तो ये वहाँ की मान्यता है। और वो जो पेड़ है गाइस वो 3500 साल पुराना पेड़ है। आपको आगे वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लिप है वो दिखाऊंगी, अभी भी बहुत ज़्यादा हरा भरा है। तो बहुत ही ज़्यादा गाइस गर्वान्वित, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे देश ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं। गाइज वन थिंग कि मैं किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, किसी भी लैंग्वेज की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने हर एक व्लॉग में बोलती हूँ कि मैं सारे ही लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करती हूँ, सारे स्टेट की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर ही ये शुरू से ही डाल दिया जाता है, स्कूल से ही या हमारे फैमिली में हम जब छोटे होते हैं तभी से डाल दिया जाता है कि हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सारे रिलीजन का सम्मान करना चाहिए, सारे लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे ब्लड में बचपन से ही होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो अभी व्लॉग में बोला उससे किसी भी स्टेट वाले को या लैंग्वेज वाले को प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है। अगर ऐसा नहीं है, साउथ वाले भी जब जाते होंगे नॉर्थ में तो उनके साथ में भी ऐसा ही होता होगा, उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही होता होगा जैसे हम नॉर्थ वालों को साउथ में आके हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नॉर्थ साउथ कर रही हूँ, क्योंकि देखो इंसान बोलता है जन्म भूमि से ज़्यादा आपका कर्म भूमि ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। तो ऑब्वियस है कि हमने जन्म वहाँ नॉर्थ में लिया है, बट अभी राइट नाउ हमारी जो कर्म भूमि है वो साउथ में है, तो वहाँ का हम नमक खा रहे हैं, वहाँ की कमाई खा रहे हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यही वो पेड़ है जो कि 3500 साल पुराना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया। इसका जो व्लॉग है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पे मिल जाएगी। गाइज मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी, अगर मैंने कुछ ऐसा इस वीडियो में बोल दिया हो जिससे आपको हर्ट हुआ हो या फिर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज गाइज माफ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून।